जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, डीएससी की भर्ती निकल चुकी है सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क के पदों पर। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। अगर आप सिपाही जीडी के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों वो 46 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सिपाही क्लर्क के अगर आप पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 48 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टर आपका दोस्तों एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज एग्जेम्पलरी और वेरी गुड होना चाहिए। मिनिमम वेरी गुड से नीचे का जो आपका कैरेक्टर है उस अगर है तो आप उसमें डीएससी में इनरोल नहीं हो सकते। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों डिसिप्लिन की। द ईएसएम एलिजिबल फॉर री इनरोलमेंट इन टू डीएससी शुड नॉट हैव द फॉलोइंग। मतलब आपकी मोर देन टू रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए इन फॉर्मर इंटायर सर्विस। मतलब पिछली आपकी जो आर्मी की सर्विस थी उसके दौरान आपकी पूरी की पूरी सर्विस में डिस्चार्ज होने की डेट तक दो रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आर्मी एक्ट आपके लिए आर्मी एक्ट सेक्शन 34, 35, 36, 37 एंड 41(2) ऑन एक्टिव सर्विस ओनली, इसके अंडर जो है आपको पनिशमेंट नहीं मिला हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पनिशमेंट अवॉइडेड रेड और ब्लैंक एंट्री इवन एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी एंड ड्यूटीज अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 48 इन द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस। मतलब सेक्शन 48 के अंदर आपके लिए रेड एंट्री, ब्लैंक एंट्री और एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटीज भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है दोस्तों नो रेड इंक एंट्री इन लास्ट 3 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस। मतलब टोटल सर्विस में आपकी दो रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए और लास्ट 3 ईयर्स की जो सर्विस है उसमें कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी दोस्तों आपके सेफ बन होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम गैप पीरियड की। तो सिपाही क्लर्क के लिए सिपाही जीडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो गैप है मतलब पिछली सर्विस छोड़ने से लेकर और री एनरोलमेंट इंटू डीएससी मतलब जो डेट के जिस डेट के लिए ये भर्ती है उस डेट तक 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप सिपाही क्लर्क की भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने पिछली सर्विस छोड़ी थी उस दिन से लेकर और जिस दिन आप ये डीएससी की भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं तब तक। वैसे दोस्तों एक डिटेल वीडियो जो है मैं इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। इनमें मैंने डीएससी में जाने के लिए डॉक्यूमेंट, एज लिमिट, डिसिप्लिन, मेडिकल ए टू जेड जानकारी दी है। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम डॉक्यूमेंट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने होंगे अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिस्चार्ज बुक इन ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक लेके जानी है। उसके बाद दोस्तों सिविल ऑब्लिक मिलिट्री एजुकेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, तो आपके मिलिट्री के और सिविल के जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उन ओरिजिनल लेके जाना है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस बॉन्ड इन ओरिजिनल, जो आपका एजीआई का बॉन्ड है वो भी आपको लेके जाना है ओरिजिनल में। 5 ज्वाइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइफ, ठीक है, तो आपके जो है वो 5 ज्वाइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी वाइफ के साथ में और 5 फोटोग्राफ सिंगल और 5 फोटोग्राफ विद इंटायर फैमिली के साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद में आपको दोस्तों फोटोकॉपी पैन कार्ड सेल्फ एंड वाइफ ऑब्लिक एनओके, तो अपनी और वाइफ की जो है वो पैन कार्ड की कॉपी लेके जानी है दोस्तों, फोटोकॉपी, और सेम दोस्तों अपनी और वाइफ की आपको आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको लेके जानी है प्लस आपका पीपीओ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये भर्ती किस सेंटर में है और कौन कौन लोग इसमें भर्ती के लिए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एटीएससी रिक्रूटमेंट रैली फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी इज शेड्यूल्ड ऑन 20 अगस्त 2024। रिपोर्टिंग डेट है आपकी 18 अगस्त 2024 एट 1600 आवर्स। टू बी ऑर्गेनाइज एट MEG सेंटर मद्रास इंजीनियर एंड ग्रुप सेंटर बेंगलोर में ये भर्ती है फॉर सिपाही क्लर्क एंड सिपाही जीडी ऑफ ESM ऑफ MEG। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेन पॉइंट आपके लिए ये है कि द कैंडिडेट शुड हैव सर्व्ड इन मद्रास इंजीनियर ग्रुप रेजिमेंट्स ओनली, वही इसमें भर्ती में जा सकते हैं। मतलब ये जो भर्ती है वो मद्रास इंजीनियर ग्रुप के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ही ये भर्ती है, उनके अलावा इसमें कोई भी और जो है वो भर्ती के लिए एक्स सर्विसमैन भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।